आ गया तूफान। अजमेर रेलवे स्टेशन पर छोटू की मंगेतर पाकिस्तान की आरजू ने कदम क्या रखा, तूफान आ गया। हवाएं चलने लगी और यहाँ वहाँ लोग भागने लग गए। आरजू तो अपने इस धमाकेदार एंट्री के लिए इतनी उत्साहित हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तूफान मेल का नाम सुना है आपने? तूफान मेल। तो लीजिए आपके सामने ये हैं हमारी नई तूफान मेल। नई तूफान मेल, जिनके पैर रखते ही हिंदुस्तान की धरती पे ना वो जैसे होता है जलजला आ गया। धरती पूरी हिल गई, मतलब हिल गई, हवा उड़ने लगा, लोग गिरने लगे, मैं हिल गया पूरा, मैं पूरा हिल गया, सब हिल गए। बट अब वेलकम टू इंडिया जी, वेलकम टू इंडिया। आरजू के आते ही तूफान आया और ये तूफान अच्छे अच्छों की हवा निकाल देगा ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि अब देखिए ना, ये हवा कुछ ऐसी चली कि सूरज और संध्या जो यहाँ आरजू को लेने आए थे और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता खरीद रहे थे, वो सारे फूल बिखर गए और संध्या के बालों में उलझ गए। देखो चांद आया, चांद नजर आया। आगे पूरा कर। बड़ी मुश्किल से संध्या ने चलती हुई हवा को रोका, क्योंकि ये हवा किसी तूफान की हवा नहीं थी, बड़े ब्लोअर का फैन था जो गलती से ऑन हो गया था और उसी के चलते यहाँ तूफान आ गया था। संध्या के बालों में गुलदस्ता देखकर छोटू भी हंसा और सूरज भी। सूरज ने तो संध्या के इस नए रूप का सेल्फी भी ले लिया। तब जाकर संध्या को समझ में आया कि उसका सर एक गुलदस्ता बन गया है। सीन छोटा सा था लेकिन मेहनत बहुत सारी। स्टेशन की छोटी सी जगह, उस पर लोगों की भागम भाग, हवा चलाने के लिए दो बड़े फैन और इस हवा से उड़ते कचरे को दिखाने के लिए रुई के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे उड़ाना। फिर संध्या के बालों में गुलाब के फूलों को कुछ ऐसे सजाना कि वो फंसे हुए दिखे, और ऐसा बार बार करना पड़ा। ये सीन बहुत ही इंजॉयबल था, और खासकर ऐसे सीन जहाँ पे बारिश गिराते हैं या हवा चलाते हैं या फिर खड़ी ट्रेन को चलती ट्रेन बनाते हैं, ये सीन बड़े करने में बड़े फनी लगते हैं, देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें हम हंसते ही रहते हैं। और एक बार नहीं, दस बार नहीं, बल्कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार करना पड़ता है हमें। और छुपाते बड़ी बढ़िया तरीके से हम सब ये अपने ऐसे करते हैं हंसते वक्त। लेकिन आरजू की इंडिया में होने वाली एंट्री को धमाकेदार बनाना था तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।